चलो चलो ऊपर चलो चलो चान करो जाओ दाराओ बाबा दाराओ दाराओ तो हाय बोले दो हाय तो हाय बोले दो हाय टुटू का दीदी भी फ्रूट खा रहा है एप्पल और टुटू भी फ्रूट खा रहा है एप्पल और अमरूद सही खाचो तो अच्छा उसका मम्मी भी खा रही है। ये है टूटू के लिए, ये है अमरूद, ये है एप्पल। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि टूटू का पंख हमने काट दिया है, हम उसको दर्द देते हैं। टूटू हमारा बच्चा है एकदम, मैंने कोई भी आज तक कोई भी पंख नहीं काटा है। टूटू का ये जो फेदर है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है छोटे से ही, उसके सर पे भी ये देखिए आप यहाँ पर भी पंख थोड़ा कम उगता है और उसके जो विंग है उसमें भी जो लंबा पंख है ये दो पंख ये खुद से काट डालता है। ये बहुत सारा लोगों का कहना है कि हमने काट डाला है, हमने पंख नहीं, आज तक टूटू का कुछ भी हमने कोई दर्द नहीं दिया है उसको। अभी टूटू के पूंछ पर दो नया पंख आया है। तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे टूटू को हम किस तरह से नहलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है हल्दी, इसको हमने बांट लिया है। आप मिक्सर में भी इसको आप मिक्स कर सकते हैं, नॉर्मल जो कच्चा हल्दी है, और इससे जो जूस निकलता है इसको हम पानी में मिला देंगे। और भी बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन है कि ये फीमेल है ये मेल नहीं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है मेल है या फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग आज भी मेल फीमेल के पीछे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेल हो या फीमेल, ये पेट है हम इससे प्यार करते हैं, बस वही काफ़ी है। टूटू को नहाने में इतना मजा आता है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जस्ट वो उसके सामने ये डब्बा रखने से ही वो आ जाता है। चलिए इसको हम अब मिक्स करते हैं। ये हल्दी एंटीबायोटिक है, हल्दी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। काफ़ी कबार हम तो टूटू को ये कच्चा दे देते हैं, वो खाता भी है। चलिए इसको मिला दिया है। दाराओ 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 अच्छा ठीक है चलो आसो छो ना चान करो तुम चान करो एका एका ठीक है। अभी सुबह के 10 बजा है, इस टाइम टूटू को नहलाते हैं। वो खुद से शावर लेता है, शावर तो नहीं ये पानी में वो मजे से वो खेलता है, गुलाटी मारता है, सब कुछ करता है, वो अपने मजे से ही वो सब कुछ करता है। आप लोग जिस तरह से प्यार करते हैं टूटू को वो टूटू के लिए ही बहुत ही है। इस तरह से प्यार कीजिए टूटू को, वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जाओ तुम इन्हें जले चान करो है ना नो नो। ये गुस्सा करता है हम सबके ऊपर, लेकिन ये आज तक नहीं काटा है। ये गुस्सा करते हैं अपनी चोंच से, ये अपना जो कहना चाहता है वो खाली दिखाता है। चलो चान करो जाओ। चान करो ना आसू चलो। टूटू का नहाना आज हो गया, ठंड के वजह से पूरा नहाया नहीं शायद। चले इसको हम अभी धूप में रखेंगे, इसको अभी आज हर दिन नहाने के बाद इसको धूप में रखते हैं। ये ओपन हमारा छत है, हम इसको ओपन ही लाए हैं और इसको अब धूप में रखेंगे क्योंकि बर्ड के लिए इसके फेदर के लिए धूप बहुत ज़रूरी चीज़ है। थाको एखाने किछुक्षण टूटू खाली ये केज पर जब बाहर लाते हैं या धूप में रखते हैं और जब घर साफ कर रहे हैं तब इस केज में रखते हैं इसको, बाकी ऑल टाइम ये ओपन रहता है। कौवे बहुत तंग करते हैं और जो मोबाइल टावर है उसमें चील भी रहते हैं, तो ज़्यादातर हम इसको यहाँ पर लाते नहीं हैं, लेकिन धूप सेकने के लिए हम विंडो के पास रख देते हैं। और ये जो केज है इसको मैंने ऑर्डर देके बनाया। इसका चौड़ाई है 2.5 फुट, इसका लंबाई है 2 फुट, क्योंकि अच्छे से रह सके। छोटा केज होने से प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैंने इस तरह से केज ऑर्डर देके बनाया। और ये केज मुझे बनाने में खर्चा आया था 1600 रुपये। और टूटू के लिए, टूटू के दीदी ने ये जो मिर्ची है ये पेड़ लगाया है छत पे, और ये है भुट्टा, लेकिन भुट्टा तो नहीं हो पाया, लेकिन जो मिर्ची है ये आने लगा है। ये ओनली टूटू के लिए है, एक आया है, लेकिन मेरे ख्याल से छत पे ये तो अच्छे से नहीं उगेगा। बर्ड के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जो वो धूप से ही मिलता है, या विटामिन के मेडिसिन तो आप दे सकते हैं, लेकिन नेचुरल जो मिलेगा वो तो आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो आप भी अपने बर्ड को थोड़ा टाइम आप धूप में रखिए, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। कि करबो बोलो, तुम থাকবে না এখানে, তুমি থাকবে না, कि करबो बोलो। कि टूटू के माँ अभी उसका जो बैठने की जगह है उसको साफ कर रहा है। ये धो रहा है टूटू का टूल और टूटू के टोकरी। टूटू देख रहा है, टूटू अपने मम्मी को देख रहा है। पकड़े टूटू अभी धूप में 1-1.5 घंटा रहेगा, उसके बाद उसका सुबह का खाना हो गया। उसके बाद कुछ फ्रूट्स वगैरह देंगे। नामी जाची ना कोताओ ना आची अमी आची की अमी जाची ना कोताओ बसो तुमी। देखिए हम में से किसी को भी वो दिख नहीं रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। उसके आंखों के सामने कोई ना कोई रहना चाहिए। अगर टूटू के सामने से हमसे कोई भी चला जाएगा तो वो चिल्लाने लगेगा, इसलिए इस तरह से टूटू के दीदी उसको ख्याल रखता है छत पर जब वो अकेला रहता है। टूटू हमारा घर का छोटा सदस्य है, मेंबर है। टूटू तुम कहना खाचो खेना है ना। ये है एप्पल और गुआवा। जाओ खाना बसो, खाना जाओ, खाना गए बसो, खेना आलो बड़े खेना खेना जाओ जाओ। अच्छा सामने नहीं है, टेने खावे। तो दोस्तों बस इतना सा ही था इस वीडियो में, और थोड़ा टूटू के लिए प्यार जताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।